हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। आज जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, और जैसे कि आपने टाइटल में देखा ही होगा कि मैंने टाइटल में क्या मैसेज लिखा है, उसमें मैंने ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक्चुअली जो है कुछ टाइम से बच्चों मैंने जो था पहले तो इस चीज़ को लाइटली लिया, लेकिन अब जो है कुछ टाइम मतलब बार बार मेरे पास ये जो है मेरी कज़न ने भी मुझे ये बताया, मेरी सिस्टर ने भी मुझे बताया, तो फिर और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने भी मुझे बताया ये कि जो काओ है उसमें जो है प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि उन्हें कोई बीमारी सी चल रही है। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, जहाँ तक मैंने सुना है आई थिंक से वो बच्चों को हो रही है, क्योंकि गाय का दूध जो है ज़्यादा हम बच्चों को ही देते हैं। जैसे मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनका भी बेटा जो है वो बड़ा हो गया है, 9-10 ईयर्स का है, तो भी वो काउ मिल्क ही दे रहे हैं। तो मेरी जो सिस्टर है, रियल सिस्टर है, वो भी अपने घर में काउ मिल्क का ही यूज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने सब ने ये बंद कर दिया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने काउ मिल्क नहीं, जो भैंस का दूध है वो भी बंद कर दिया उन्होंने। उनका कहना है कि जो पशु हैं सब में ये प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ मैंने ऐसे ब्लॉग्स जो मैं अपने देखती हूँ उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भी, और लेकिन उन्होंने किसी ने ये मेंशन नहीं किया है कि बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैं कल रात से बहुत ज़्यादा डाउट में हूँ, तो और आज बल्कि मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, और उनके पास मैंने डॉक्टर को रात को ही, मुझे इतनी टेंशन हो गई कि मैंने जब मुझे कल मेरी सिस्टर ने बताया तो मैंने जो है डॉक्टर के असिस्टेंट को भी फ़ोन करके पूछा कि जो है क्या उनके पास ऐसे कोई बच्चे आ रहे हैं जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे पास 3-4 ऐसे बच्चे आए हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम हुई है, और डॉक्टर ने ये बोला है कि इसी वजह से हो रही है, काऊ को कोई इंजेक्शन वगैरह लगा दिया गया जिसकी वजह से ये बीमारी जो है वो फैल रही है, और इस बीमारी का कोई सोल्यूशन भी नहीं निकल रहा है, और जो बच्चे पी रहे हैं तो बच्चों को भी सेम वैसी ही प्रॉब्लम हो रही है जैसे काओ को हो रही है। तो इसीलिए जो है मैंने अभी पाउडर वाला दूध डॉक्टर से पूछकर, ये लैक्टोजन है, ये वाला दूध जो है मैंने बच्चे को देना शुरू किया है। जो बड़े वाला बेटा है उसको तो जैसे हॉस्पिटल में एडमिट था, लूज मोशन लगे थे, तो उस टाइम से उसको पाउडर वाला दूध दे रहे थे, लेकिन जो छोटे वाला उसको हम काउ मिल्क दे रहे थे क्योंकि उसे सूट कर रहा था, तो उसको हम फॉर्मूला मिल्क नहीं दे रहे थे। तो अब उसको तो बिल्कुल कोई भी दूध देने से डॉक्टर ने मना किया, उसको सिर्फ फॉर्मूला मिल्क देना है बड़े वाले को। छोटे वाले को हमने फिर काउ मिल्क कल रात से बंद कर दिया है, तो यही वाला देना स्टार्ट किया है। तो अभी मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर आपके रिलेटिव्स में या आपकी खुद के घर में है जो पशु हैं, अगर आप ऐसे दूध वगैरह का काम करते हैं, तो प्लीज़ मुझे ये जरूर बताइए कि आपके जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम रियलिटी में है या नहीं है, क्योंकि आप सब जो हैं मेरे से सभी अपनी जो है प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं, बातें भी करते हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे ये शेयर किया कि मुझे ये पता है कि आप मेरे से अब जो 100% मुझे ये बताएंगे। तो प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइए कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आपके घर में जैसे पशु हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को वो काउ मिल्क दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और क्या ये सच में ऐसा है या नहीं है कि बच्चों को इससे हो रहा है, क्योंकि मुझे ये टेंशन हो रही है कि अभी तक हम काउ मिल्क दे रहे थे तो बच्चे पे कोई, भगवान ना करे ऐसा कोई हो, किसी भी बच्चे पे हो, लेकिन फिर भी एक माइंड में जो है ऐसा चलता रहता है। तो प्लीज़ मेरे साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए, जिनके घर में है, रिलेटिव्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, तो प्लीज़ उनसे पूछ के मुझे ये बताइए कि क्या सच में ऐसा कुछ है, और आप वो अपने बच्चों को दे रहे हैं या नहीं, और बच्चों के अंदर ये आ रहा है या नहीं प्रॉब्लम, और सच में इसका पूरी बात की सच्चाई क्या है। तो मैं बहुत ज़्यादा डाउट में हूँ, और अगर वो बच्चों को ऐसा उन्होंने काउ मिल्क बंद कर दिया है, तो अब वो बच्चों को क्या दे रहे हैं। तो प्लीज़ ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस में उस बात को लेके, अपनी प्रॉब्लम को लेकर तो मेरे को इतनी स्ट्रेस नहीं होती, लेकिन बच्चों को लेके तो स्ट्रेस में मैं बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। तो प्लीज़ हर कोई हो जाता है, तो प्लीज़ इसके लिए जो है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरी इसमें हेल्प कीजिए, पूछिए, और अगर आपके घर में भी हैं आप जो है वो किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं इसको लेकर, तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। तो आई होप कि आप जो है मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।